स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में। कहना चाहूंगा यहाँ पे वीडियो बहुत ही बढ़िया, पूरा वीडियो देख लेना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत सी बड़ी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ये आपका फर्ज बनता है। यहाँ पे कहना चाहूंगा ये झारखंड में, आप पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो रात में बहने धरने पर कैसे बैठती है, जब बारिश होती है तो वो भीगती भी है, और 17 दिन पूरे हो चुके, आज उनका 18वां दिन है। खुद से सोचिए, और फिर भी आप घरों में बैठे हैं और वीडियो तक शेयर नहीं कर सकते व्हाट्सएप और फेसबुक पर, तो इसके लिए तो शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि वो मानदेय की लड़ाई लड़ रही हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, वो अगर आज जीतेंगी तो कल आपका भी भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भी बनेगा। तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। यहां पे कहना चाहूंगा आप वो पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो आपने वो वीडियो देखा, हमारे पास झारखंड से यूनियन के मीडिया प्रभारी भाई ने भेजा है, और झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची के बैनर तले राजभवन रांची के समक्ष जो है धरना एवं हड़ताल का 17वां दिन भी जो है कल बीत गया। भारी बारिश के बावजूद भी वहां पे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं छाता के सहारे बेचारी डटी रही, किसी के पास तो छाता भी नहीं दिखा। यह रात की वीडियो है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया है, और बहुत से लोग, मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली और उसमें लिखा 16-17 दिन से बहने भूख पर बैठी हुई है। एक भाई महोदय आए, उन्होंने लिख दिया कि वाह 17 दिन से कौन भूखा बैठा रह सकता है, इतनी उनको अकल और समझ नहीं है। एक घर में बैठ करके खाना खाने और रोटियां तोड़ने और चैन की जो सांस लेने और सोने में और वहां पे धरने में बैठने में बहुत अंतर होता है। वहां पे ना तो आप चैन से खा सकते हैं ना ही सो सकते हैं, चिंता लगी रहती है घर को कब जाएंगे, घर में भी और काम होते हैं। तो एक भूख वही भूख नहीं है कि आप एक अन्न का टुकड़ा ना लें। अरे धर्मों पर कौन आपके लिए, जो घर में जो आप चाहते हैं वो बना करके खाते हैं, धर्मों पर क्या आप जो चाहेंगे वो खा सकते हैं? वहां पर जरूरी नहीं आपको एक दिन में खाना भी मिल जाए, वो भी दोनों टाइम मिल जाए। तो इन चीजों को नहीं समझता कोई। आगे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे अमेठी में जो नंदघर बनेंगे 3 आंगनबाड़ी केंद्र, तो अमेठी में बताया जा रहा है नंदघर के जैसे बनाए जाएंगे। सरकार सब कुछ करने वाली है, बड़ी बड़ी बातें भी करती है, इनके लिए पैसा भी जारी करती है, आंगनबाड़ी को मॉडल बनाने के लिए तमाम जगह पैसे आए। और आंगनबाड़ी केंद्रों की तो हालत यह है कि पैसे आते आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर के लिए, और वहां पर सुपरवाइजर के जरिए वो पैसे बंदर बांट कर लिए जाते हैं, वो नीचे से ऊपर तक, उनको हफ्ता चाहिए उसमें। तो ये सब चीजें हैं, इनको खुद सोचिए, ये शोषण है, ये आपका करते रहेंगे। आप ये नहीं सोच सकते आप कितना भी सरकार प्रयास कर ले, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती है सब कुछ। हो सरकार पैसा निकलवा देती है, उसके बाद में वो बंदर बांट करके ऊपर चला जाता है, उसके बाद क्या सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि पैसा सही जगह लगा या नहीं, उसकी जांच हम करवा लें? और लोग चिल्लाते रहते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती आप सबकी है। मैं यहां पर खुल करके बताता हूं क्या भ्रष्टाचारी हो रही, क्या सब कुछ हो रहा है। आप लोग अपना वीडियो क्यों शेयर नहीं करते, क्यों, किस लिए आप लोग यहां बैठे रहते हैं कि हाँ हमारे मानदेय बढ़ने की जब खबर आएगी वो हमारे काम की होगी? अरे शर्म आनी चाहिए भाई, इन चीजों को आप सोचिए और समझिए, क्योंकि यहां पर हम एक साल से चिल्ला रहे हैं, बराबर शोषण के खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। कल एक बहन ने नस काटी, आपको पता होगा, हमारे यूनियन की बहन थी, आपको अभी वो भी हम दिखाने वाले इसी वीडियो में, और उन प्रभावती बहन जो आपकी प्रदेश महामंत्री, उनका क्या कहना है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। चैनल से जुड़े हैं तो आपको जानकारी समय पर मिल जाएंगी। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में ये कुपोषण को मिटा रहे हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इनको अच्छे से बढ़िया एक थाली और बढ़िया प्लेट लगा करके यहाँ पे इनको खिलाया जा रहा है। आप कहना चाहूंगा ये उन बच्चों को खिलाया जा रहा है जो बच्चे कुपोषित नहीं है। कुपोषण आपको देखना है तो आप गाँव को जाइए, ये ऐसे बड़े बड़े भवनों में बैठ करके उनको खिलाने से, और 50-50 मीडिया वाले आते हैं इधर उधर फोटो लेने के लिए आ जाते हैं, ये कुपोषण नहीं मिटने वाला, ये कुपोषण इनका मिटा है। ये अच्छे घर के लड़के हैं, क्योंकि इनके कपड़े और इनके रहन सहन हर एक चीज से देखने से पता चल जाता है। कुपोषित वही बच्चे हैं जो गांव में उनके माँ बाप उनको खिलाने के लिए पैसा नहीं जुटा पाते हैं, और कहीं कहीं तो देख लेना आंगनबाड़ी के ही बच्चे कुपोषित निकल आएंगे,
और इसमें कोई दोराय नहीं है। तो गांव जाएं, गांव में देखिए कौन कुपोषित है, उनको बैठाल करके अगर एक थाली खिलाई होती तो कम से कम उनके शरीर में कुछ गया होता। इनके माँ बाप तो अगर पैसे वाले होंगे तो वो तो खुद खिला लेंगे, तो इन सब चीजों को सोचना चाहिए। और ये देखिए बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया बढ़िया फोटो हमारे ग्रुपों में सैकड़ों भेज दी जाती हैं, लेकिन जिसकी जरूरत है वो खबर नहीं भेजते। अपने हक के लिए आप क्यों नहीं आगे आते लड़ते हैं? और आपके लिए कोई लड़ रहा है तो उसकी आवाज को आप शेयर करते नहीं है, उठाते नहीं है, जो उसको कम से कम कुछ सहारा मिल पाए। तो इन लोगों की वजह से हम और हार जाते हैं। देखिए सुधा दीदी हैं, एडवोकेट हैं, और कहना चाहूंगा ये देख लीजिए, उनके वहां भी कुछ कार्यक्रम मनाए गए और इस समय तो आंगनबाड़ी के रूप में कार्य कर रही हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी नौकरी छोड़ देंगी अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बातें की, उनका यही कहना था इस नौकरी में हमें क्या मिल रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए आंगनबाड़ी के केंद्र के कायाकल्प की तैयारी, आंगनबाड़ी के केंद्रों की कायाकल्प की तैयारी चल रही है, लेकिन आंगनबाड़ी की कायाकल्प की तैयारी सरकार नहीं कर रही है। और ये सब आपकी गलती है, क्योंकि आप खुद नहीं अपनी ताकत को पहचान नहीं है, ना ही जब सरकार से लड़ते आपको लगता है 4,000 ही वही बहुत है, फिर क्या है, ऐसे ही जिंदगी जिए। काम आपसे 40,000 से ज्यादा का करवा रहे, अगर आप थोड़ी हिम्मत जुटाएंगे तो आपका मानदेय भी 40,000 ही होगा। इन चीजों को अपने दिमाग में बहनों बैठाइए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारी बहने हैं और ये हमारे पास बहुत जगह से मैसेज आते रहते हैं। कौशिक जी हैं, उनके वहाँ से ये खास करके हमारे पास लिखा हुआ कि आज 1/9/2019 को रविवार को वजन दिवस मनाया गया। कांति कौशिक अपने आंगनबाड़ी केंद्र नवीपुर कलावाड़ 6 हाथरस शहरी क्षेत्र पर बच्चों को वजन वगैरह उनका लेते हुए ये आप देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसे ही तमाम ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आए दिन हमारी बहनें पूर्णतया जो पूरी तरीके से काम करती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी भी बहनें हैं जो काम नहीं करती हैं, और वही लोग जो है आपके जो सुपरवाइजर हो, DPO, उन्हीं के टच में रहते हैं और काम करती रही हैं। ऊपर से जो काम करती हैं उन पर दबाव बनवाने की कोशिश करती हैं, ना तो धरने में जाने के लिए अपनी आवाज़ उठा पाएं, इन सब चीज़ों को वो ऐसे लोग रोकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रभावती दीदी की तरफ से ये आया था मैसेज, उनका कहना था मैं ग्रुप में जुड़े सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और प्रिंट मीडिया और सम्मानित जो पत्रकार हैं भाइयों से, संवाददाता से निवेदन करती हूँ कि ये घटना जो घटी है अभी, जो हमारी बहन ने नस काटी थी, तो वो उत्तर प्रदेश जो आपका संगठन है, आपका आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन, इन्हीं का जो यूनियन है, और इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त जो प्रभारी आपके थे वहाँ के CDPO, उनकी उन्होंने शिकायत प्रार्थना पत्र सहित जो है प्रार्थना पत्र पर सदस्य जो महिला आयोग है, सदस्य महिला आयोग से उन्होंने इसकी शिकायत की थी इन्हीं जो CDPO महोदय की। जब इसकी जांच की बात आई तो 31/8/2019 को जनपद महोबा के ब्लॉक पनवाड़ी में मीटिंग के दौरान जहां वह प्रदेश प्रवक्ता पहुंची तो वो भड़क गए और गाली गलौज वगैरह करने लगे, और आसमीन खातून प्रदेश प्रवक्ता को मारने के लिए भी तैयार हो गई, और वो अपनी जो बचाव करते हुए और उत्पीड़न में जो है आजिज होकर अपने हाथ की वगैरह डस काटी। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि उनको मारने के लिए वो तैयार हो गए, इसी के डर में और ये सब चीजें ना हो तो उन्होंने और गाली गलौज भी की, सिर्फ वो परेशान होकर के उन्होंने ऐसा काम किया था। तो यहाँ पे लिखा मैं प्रभावती देवी प्रदेश महामंत्री आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यह निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को सजा मिले, ये बात सरकार तक जो है आप लोगों के माध्यम से ही पहुंचे, आशा और विश्वास से जो है मैं ये मैसेज भेज रही हूँ, धन्यवाद। तो ये देखिए ताकत आपसे है, मैं कहना चाहूंगा आप लोग क्यों शेयर नहीं करते, क्यों एक दूसरे को न्याय नहीं दिलाते, आप डर में रहते हैं, आपके वहां से सुपरवाइजर बोल देंगे आपको कुछ नहीं करना है, अरे आप उनकी बात क्यों सुनते हैं, आप उनसे पैसा नहीं ले रहे हैं, आप अपनी मेहनत का पैसा ले रहे हैं, आपको पैसा सरकार दे रही है और सरकार वो भी कम दे रही है, सुपरवाइजर पैसा नहीं दे रहे, सुपरवाइजर तो आपके सहारे अपना काम जेब भर रही है, 4 बोरी पोषाहार की आपको चुपके से दे देंगी, 2 बेच करके उनको दे दो, 2 अपने पास रखो, तो उनका तो आपसे फायदा हो रहा है, तो वो तो चाहेंगे कि आप उनके दबाव में रहें, नीचे रहें। तो इन चीज़ों को खैर आपको समझना या नहीं समझना है इसलिए आप पर निर्भर करता है। ये बहुत से केंद्र हैं जहाँ की फोटो और तस्वीरें हमें भेजी गई, और इन सभी के जो वीडियो हैं आपके कुछ केंद्रों के जो भी भेजे जाते हैं बहनों के माध्यम से, वो आपको आपके अगले चैनल जो हमारा सुधांशु पटेल के नाम से है टुडे ब्रेकिंग न्यूज TV, तो उस पर हम डालते रहते हैं, वहां पर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। ये देख लीजिए ये 31 तारीख को जो कार्यक्रम मनाए गए वहां की तस्वीरें हैं, और ऐसे हमारे पास बहुत सी तस्वीरें आती रहती हैं और बहनें भेजती रहती हैं। फिलहाल के लिए मैं इन चीज़ों को दिखाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं बहनें प्रयास करती हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं रात दिन, पूरा पूरा महीना जो है मेहनत करती रहती हैं, फिर भी सरकार सुध नहीं लेती, इस वजह से मैं ये तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये 1 तारीख को ये मनाया गया था वजन दिवस, वहाँ की ये तस्वीरें आपने देखी, और ये भी देख लीजिए बहुत से ऐसे हमारे पास तस्वीरें फोटो आती रहती हैं, ये भी 1 तारीख की है वजन दिवस वगैरह को लेकर के, ऐसे तमाम तस्वीरें बहनों के द्वारा भेजी जाती है, किसी किसी की तो छूट भी जाती है क्योंकि मैसेज ही हज़ारों की संख्या में आते रहते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा आगे जो भी करें एकता के साथ में करें और मिलकर के करें, ऐसा ना करें कि आप अलग अलग फूट करके चलें और आपके अधिकारी आप पर ही दबाव बनाते रहें, तो इससे आपकी एकता खंडित होगी, आगे आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे।
और वहीं पर ये देखिए अंबेडकर नगर में एक लेटर निकला था, इस लेटर को हम अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, जो हमारा टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी चैनल है उस पर आने वाला है ये वीडियो, जिसमें ये लेटर बहुत ही बढ़िया है और जरूरी है, जिसके बारे में आपको हम बता देंगे।